आज का हमारा कारवां उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित एक प्राइवेट कॉलेज जा पहुंचा है। सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। इसकी स्थापना सन 1997 में सीवी रमन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भुवनेश्वर में की गई थी। यह एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो उड़ीसा के टॉप 5 प्राइवेट कॉलेजों में शामिल है। सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी इंडिया में टॉप 100 कॉलेजों में शामिल है, जिसकी एनआईआरएफ रैंकिंग 93rd है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में इस कॉलेज का कैंपस एरिया लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। तो चलिए अब डिटेल्ड एनालिसिस की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट केंद्र में आपका स्वागत है। बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज जल्दी आने वाली है, उनको देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग हम लोगों से कोई कॉलेज रिव्यू कराना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, हम लोग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश जरूर करेंगे। सीवी रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी से सबसे सामने रेलवे स्टेशन है भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है, और भुवनेश्वर एयरपोर्ट सबसे सामने इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रोग्राम्स ऑफर्ड। इस कॉलेज में इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के प्रोग्राम्स के अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर ऑफर किए जाते हैं। इस कॉलेज में पीएचडी के प्रोग्राम भी ऑफर किए जाते हैं। आप सभी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की लिस्ट सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से स्क्रीन पर देख सकते हैं। फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप। आज के रिव्यू में इस कॉलेज की फी स्ट्रक्चर बीटेक एमटेक और लैटरल एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए देखेंगे। ट्यूशन फीस तकरीबन 1,20,000 के आसपास है। हॉस्टल और मेस फीस टू कैटेगरी में डिवाइड की हुई है। पहला नॉन एसी रूम जिसकी फीस स्ट्रक्चर 57,000 और 67,000 है एज पर रूम शेयरिंग। दूसरा एसी वाले रूम जिसकी फीस स्ट्रक्चर 1,02,000 पर एनम है। स्कॉलरशिप। इस कॉलेज की तरफ से कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। फैसिलिटीज। हॉस्टल में आपको सस्ती और अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, बट कहीं ना कहीं अभी इसमें कमियां मौजूद है। लाइब्रेरी। इस कॉलेज की लाइब्रेरी में प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरफ के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर दिया हुआ है। कॉलेज में बहुत सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, कैरम इत्यादि। अब प्लेसमेंट रिपोर्ट की बारी। इस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई लेटेस्ट प्लेसमेंट का डाटा नहीं दिया हुआ है। हमारे सारे डेटा एनआईआरएफ के अनुसार है। बीटेक का मीडियम सैलरी पैकेज 2019 में 4.2 लाख पर एनम और 2018 में 3.95 लाख पर एनम गई थी। इसी तरह आप एमटेक की मीडियम सैलरी पैकेज देख सकते हैं, 2019 में 3.4 लाख पर एनम और 2018 में 3.45 लाख पर एनम गई थी। इस कॉलेज का प्लेसमेंट बिल्कुल भी सैटिस्फैक्टरी नहीं है। लास्ट में आप कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं जो इसके कैंपस को विजिट करती आई है। यह कॉलेज आपके लिए क्यों और किस कंडीशन में वर्थ इट है, आइए कुछ पॉइंट के जरिए देखते हैं। इस कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर भुवनेश्वर में स्थित अन्य प्राइवेट कॉलेजों से कम है। इस कॉलेज में आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज को आप किसी अच्छे गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजों के बाद ही चुनें। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कॉलेज रिव्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।